हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ। यदि आपके पास Realme Narzo 20 Pro की डिवाइस है तो आपके लिए मई मंथ का न्यू अपडेट Realme की ओर से ऑफिशियली रोल आउट कर दिया गया। चलिए देख लेते हैं इस अपडेट को आप अपने डिवाइस में कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या न्यू फीचर आपको देखने को मिलेगा और इसके बाद आपको Realme UI 2.0 और Android 11 का अपडेट कब तक रोल आउट होगा आपके Realme Narzo 20 Pro डिवाइस में। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक बने रहिए। मैं इस वीडियो में आपको सारा कन्फ्यूजन क्लियर कर देने वाला हूँ कि आपको Realme UI 2.0 का अपडेट कब तक Realme Narzo 20 Pro में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो अपडेट आया उसे करने के लिए आप अपने डिवाइस के मेन सेटिंग में चले जाइएगा। मेन सेटिंग में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक कीजिएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन पर आप जो भी क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। न्यू वर्जन देख रहे होंगे अवेलेबल एंड्रॉइड 10 बेस पे ही होगा। तो सबसे पहले 8.89 का अपडेट देख रहे होंगे यहाँ पे, तो 8.89 का यदि आप अपडेट कर लेंगे उसके बाद ही आपको Realme UI 2.0 Android 11 का ओपन बीटा या ट्रायल वर्जन आपके डिवाइस में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस अपडेट को करना होगा और इस अपडेट के आप फ्यूचर को भी देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा देख रहे होंगे अपडेट में सिक्योरिटी पैच मार्च और अप्रैल का रोल आउट हुआ है जो मई में आपको देखने को मिल रहा है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो ऑप्टिमाइज किया गया वो स्टेबिलिटी में किया गया है। सिस्टम सेटिंग के जो स्टेबिलिटी थी उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी तो उसको ऑप्टिमाइज इसमें किया गया है और स्टेबल किया गया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और साइज भी अपडेट का आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। अब डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपडेट इसमें क्यों देखने को अभी तक नहीं मिला है Realme UI 2.0 का, और Realme UI 2.0 का अपडेट इस मंथ में मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस अपडेट को आपको करना है यदि आप Realme UI 2.0 का ओपन बीटा या ट्रायल वर्जन का अपडेट चाहते हैं Realme Narzo 20 Pro में। तो सबसे पहले इस अपडेट को आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद आपको सिंपली इसे आपको रिबूट करना है। रिबूट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा चलिए अब मैं बता देता हूँ कि Realme UI 2.0 और Android 11 का अपडेट क्यों नहीं मिला था अप्रैल मंथ में Realme Narzo 20 Pro में, क्योंकि Realme 7 में देख रहे होंगे कि Realme 7 और Realme Narzo 20 Pro दोनों डिवाइस में सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है MediaTek का G95 का। इसलिए Realme का जो UI 2.0 का अपडेट रोल आउट हुआ था सबसे पहले Realme Narzo के लिए नहीं हुआ था, Realme 7 के लिए हुआ था। यानी Realme 7 को अप्रैल मंथ के लास्ट तक सभी डिवाइसों के लिए Realme UI 2.0 का अपडेट मिल चुका था। अब जो अगला अपडेट Realme UI 2.0 का G95 के लिए मिलने वाला है वो Realme Narzo 20 Pro में ही देखने को मिलेगा। तो बस वेट कीजिए, कुछ दिन में आपको